हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है पुस्तकालय, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है और यहाँ पर छात्र विभिन्न अनुभवों, समस्याओं तथा प्रश्नों को लेकर आते हैं और फिर उन पर विचार विमर्श करते हैं और नवीन ज्ञान के संदर्भ में उनका हल खोजते हैं, जिसमें वह दूसरों के अनुभवों तथा संग्रहित विद्वता जो कि पुस्तकालय में सुसज्जित, सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है, सहायता लेते हैं। जैसा कि BRF केली ने कहा है कि पुस्तकालय ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं ताकि कुछ भी खो न जाए, ज्ञान को संगठित रखते हैं ताकि कुछ भी व्यर्थ न चला जाए और ज्ञान को प्राप्त बनाते हैं ताकि कोई भी उससे वंचित न रह जाए। लाइब्रेरीज प्रिजर्व नॉलेज सो दैट नॉन एज लॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज सो दैट नो इज वेस्टेड एंड मेक नॉलेज अवेलेबल सो दैट नो वन नीड टू डिप्राइव। अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, यानी कि पुस्तकालय के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। इसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है केंद्रीय पुस्तकालय, दूसरा है कक्षा पुस्तकालय। सबसे पहला केंद्रीय पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी, सेकंड है कक्षा पुस्तकालय यानी कि क्लासरूम लाइब्रेरी, और तीसरा है विषय पुस्तकालय यानी कि सब्जेक्ट लाइब्रेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय पुस्तकालय के विषय में, सेंट्रल लाइब्रेरी के विषय में। इस पुस्तकालय में सभी कक्षाओं व सभी विषयों की पुस्तकें रहती हैं। साथ ही इसमें समाचार पत्र, मैगजीन, पत्रिकाएं आदि रखी हुई होती हैं। वह यहाँ देखरेख व नियंत्रण के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष होता है तथा अन्य कर्मचारी भी यहाँ पर रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्रीय पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय होता है विद्यालय का और इसमें सभी विषय की पुस्तकें होती हैं और अन्य पुस्तकें भी रहती हैं और अन्य साहित्य सुसज्जित रहता है तथा इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी भी रहते हैं। सेकंड नंबर है हमारा कक्षा पुस्तकालय का, यानी कि क्लासरूम लाइब्रेरी। ये कक्षा के हिसाब से मुख्य होता है। कक्षा पुस्तकालय प्रत्येक कक्षा में होता है और ये उस कक्षा के प्राध्यापक के नियंत्रण में उस कक्षा की अलमारी में होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कक्षा में अलमारी होती है, इसमें कि उससे संबंधित पुस्तकें रहती हैं। छात्रों को पुस्तकालय का प्रयोग करने हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण देने हेतु ये एक अच्छा माध्यम है। इसके महत्व के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ठीक ही कहा है कि कक्षा पुस्तकालय केंद्रीय पुस्तकालय का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग है। द क्लास लाइब्रेरी इज एन इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल एडजंक्ट टू द सेंट्रल स्कूल लाइब्रेरी। अब हमारा तीसरा पॉइंट है विषय पुस्तकालय, यानी कि सब्जेक्ट लाइब्रेरी। इस पुस्तकालय में यह विषय पुस्तकालय विषय संबंधित अध्यापकों के नियंत्रण में होना चाहिए और वैसे रहता ही विषय से संबंधित अध्यापकों के नियंत्रण में है, क्योंकि उन्हें सारी जानकारी रहती है और विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि विद्वान होते हैं, और उसे इस विषय से संबंधित कक्षा में बनाया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा होता है ना कि सब्जेक्ट जब बच्चे अलग से लेते हैं, एक तो निश्चित विषय होते हैं, अनिवार्य विषय होते हैं, दूसरे विषय बच्चों की पसंद पर निर्भर करते हैं, तो उनके अध्यापक अलग होते हैं, तो बच्चे जो हैं कक्षा में ना पढ़कर उन कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं जो विषय से संबंधित होती हैं, और वहां पर एक पुस्तकालय के रूप में अलमारी होती है या अनेक अलमारियां भी हो सकती हैं, तो उनमें उस विषय से संबंधित पुस्तकें होती हैं, अन्य सामग्री भी उसमें समाहित रहती है। तो ये तीनों प्रकार के पुस्तकालयों का अपना अलग अलग महत्व है और किसी का महत्व किसी से कम नहीं है। अब हम आगे देखेंगे पढ़ने हेतु पुस्तकों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ रीडिंग बुक्स। पुस्तकों के चयन के तीन बिंदु हैं। सबसे पहला नीड, इम्पोर्टेंस और नॉलेज, यानी कि आवश्यकता। कहने का तात्पर्य ये है कि आवश्यकता किस चीज की है, किन पॉइंट्स की या फिर किन टॉपिक्स की आवश्यकता है उन पुस्तकों में है अथवा नहीं। अगर है तब ही उनका चयन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। व्यर्थ की पुस्तकों से कोई फायदा नहीं होता है। महत्व, जो पुस्तकें महत्व की होती हैं वही लाइब्रेरी में होनी चाहिए। नॉलेज, ज्ञान से परिपूर्ण जो है पुस्तकें ही लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और बेकार की पुस्तकें जिसमें कि ज्ञान ही नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि बेकार की पुस्तकें यानी कि विषयों से संबंधित ही नहीं है, तो ऐसी पुस्तकों का लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में कोई काम नहीं होता है। और हम देखते हैं इसके बारे में, पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उचित अनुपात में होनी चाहिए। सभी स्तर के बालकों को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा के अनुसार
जैसे कि प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं, माध्यमिक स्तर की कक्षाएं हैं या फिर उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं हैं, तो उनको ध्यान में रखकर पुस्तकें जो है लाइब्रेरी में होनी चाहिए। दूसरा था अनुपात, यानी कि जितने विद्यार्थी विषय से संबंधित हैं उतनी पुस्तकें हैं अथवा नहीं। पता चला कि लाइब्रेरी में छात्र पढ़ने के लिए आए और उन्होंने पुस्तकें विषय से संबंधित मांगी और वहां पर पुस्तक एक या दो ही है या फिर है ही नहीं, तो उस स्थिति में जो है पुस्तकालय का महत्व कम हो जाता है। विभिन्न रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए। अध्ययन सामग्री का चयन करते समय शिक्षकों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिकारीगण जब पुस्तक का चयन करें तो संख्या पर बल न देकर पुस्तक की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुस्तकों का चयन करते समय जो बातें ध्यान दी जाएं उनमें मुख्य और भी हैं, जैसे कि बाहरी स्वरूप क्या है, जिल्द कैसी है, छपाई की स्पष्टता है या नहीं है, भाषा शैली कैसी है, लेखकों की प्रसिद्धि व अनुभव तथा मूल्य का औचित्य भी ध्यान में रखना चाहिए। समाचार पत्र व पत्रिकाओं का चयन करते समय उनके स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल पत्रिकाएं छपती हैं जिसमें कि गली मोहल्ले की ही बातें होती हैं और बच्चों के काम की कोई भी बातें नहीं होती हैं, तो ये इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। संबंधित पुस्तकों का चयन करते समय उनके ज्ञान वर्धन करने के पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि विद्यार्थियों को पुस्तकालय प्रयोग को कैसे प्रेरित करें, यानी कि विद्यार्थी पुस्तकालय का अधिक से अधिक प्रयोग करें, इसके लिए हम कैसे प्रेरित करें। हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर द यूज ऑफ लाइब्रेरी। तो इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। उचित प्रयोग के लिए मार्गदर्शन, यानी कि मार्गदर्शन अवश्य करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को गाइडेंस दे, यानी गाइड करे पुस्तकालय का उचित रूप में प्रयोग कैसे करें। इसके लिए जरूरी है कि अध्यापकों द्वारा उन्हें पुस्तकालय प्रयोग की पूर्ण प्रक्रिया बताई जाए और पूर्ण जानकारी दी जाए। सेकंड है हमारा प्रेरणा, छात्रों को पुस्तकालय में पढ़ने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, या फिर इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय में विभिन्न रुचियों के जो है संतुष्ट करने वाली पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा प्राप्त हो। साथ ही जैसे ही नई पुस्तक पुस्तकालय में खरीदी जाए, पुस्तकालय हेतु आए, तो बुलेटिन बोर्ड पर नोट कर देना चाहिए कि ये पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समिति, तो पुस्तकालय की सफाई, किताबों के उचित रखरखाव आदि के लिए जो है विद्यार्थियों की एक पुस्तकालय समिति गठित कर दी जानी चाहिए। जब विद्यार्थी पुस्तकों के समीप रहेंगे तो उनके मन में उनके प्रति रुचि जागृत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्मचारियों का मधुर व्यवहार, लाइब्रेरी में जो भी कर्मचारी नियुक्त हो उनका व्यवहार मधुर होना चाहिए, चाहे वह लाइब्रेरियन हो अथवा अन्य कर्मचारी हो, क्योंकि अगर उनका व्यवहार मधुर नहीं होता है तब छात्र लाइब्रेरी जाने से हिचकते हैं और वे ना के बराबर ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवलोकन, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने आते हैं उनका निरंतर अवलोकन किया जाना चाहिए और छात्रों के समक्ष उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए अथवा पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सेल्फ सिस्टम, विद्यार्थियों को जो है अन्य कर्मचारियों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए ओपन सेल्फ सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वह पुस्तकों को स्वयं ही देख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय निर्धारण, विद्यार्थियों को दिया गया कक्षा ज्ञान अपूर्ण अवस्था में अगर छोड़ दिया जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए लाइब्रेरी भेजा जाए, यानी कि छात्रों को लाइब्रेरी भेजा जाए और वहां उनके जाने का समय निर्धारित कर दिया जाए जिससे कि वहां पर अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। अगर पूरे विद्यालय के विद्यार्थी एक बार में ही लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और उन्हें ठीक से समझ में भी नहीं आ पाएगा। अंत में कह सकते हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ के शब्दों में कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन टू द फुलेस्ट यूज इट इज नेसेसरी दैट इट्स कॉन्टेंट शुड बी क्लियरली एंड स्पेसिफिकली वर्ड to the notice of all, otherwise it is difficult for the ordinary man to find his way about them, and the library is left as a city of vast accommodation that lacks sufficient means of communication. कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पूर्ण प्रयोग के लिए आवश्यक है कि इसकी सामग्री की ओर स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाए, दिलाया जाए, नहीं तो एक साधारण व्यक्ति के लिए पुस्तकालय में अपना मार्ग ढूंढना कठिन हो जाएगा और पुस्तकालय एक ऐसी नगर के समान बनकर रह जाएगा जिसमें जगह तो बहुत है परंतु आवागमन के साधन कम हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।